विष बल राजधानी दिल्ली दीपावली पूर्वर डराइला प्रदूषण विषाक्त होगला वायु चारिड़े ढांकी होगला धूआर मोटा चादर आखि जल्वा सहित है गलार जंत्रणा आज सका दिल्लीर वायुर गुणवत्ता निम्न स्तर को खसी आसी विभिन्न अंचल एयार क्वालिटी इंडेक्स 300 पार हो जातीय राजधानी दिल्लीर एक्यूआई आज 274 पहुंची से 13 हॉटस्पॉट स्थान चिन्हट कर जो वायुर गुणवत्ता अति निम्न स्तर को चली जाइथिबा रेकर्ड होइछि। दिल्लीर मुंडकारे सबुठ खराब रही वायुर गुणवत्ता एठारे एक्यूआई 372 रही बबाना 366 जहांगीरपुरी 353 द्वारका 343 आनंद विहार 334 रेकर्ड कर या व्यतीत नोएडा 226 और फरीदाबाद में एक्यूआई 209 रेकर्ड कर दिल्लीर अक्षरधाम यार आखपाख अंचल धूआर एक चादर छाई जा कारण यह अंचल एक्यूआई वृद्धि पाई 334 पहुंची जापरी जमुना नदी में विषाक्त फेण आपण जो देखिए सेठी एभली भाव दृश्य सामना को आसुच्छी। दिल्लीर कालंदीकुंज अंचल जमुना नदी ए संगीन स्थिति देखा मिली कहुच्छे अत्यधिक प्रदूषण जो स्थिति उपजी कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक रहा है पोल्यूशन की वजह से और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। ये सरकार को इस चीज पर थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज मतलब सबके हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है। डेली मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तो यहाँ पे पॉल्यूशन तो बढ़ा ही है इस पे ठंड भी बढ़ी है और ऐसा भी दिख रहा है कि आजकल लोग भी सेहत के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए हैं तो काफ़ी लोग आ रहे हैं बट बढ़ते पॉल्यूशन से सेहत पे उस पर क्या असर पड़ेगा विपरीत असर वो उस पे हमारी थोड़ी चिंता रहती है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा यमुना जी को ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था आम आदमी पार्टी ने किया था पहले 2020 का बोला था अब 2025 का और अब छठ पूजा से पहले अगर ये स्थिति है यमुना जी की सोचिए अगर हमारे देश की और हमारे दिल्ली की महिलाएं यहाँ पर छठ पूजा पे आएंगी तो उनको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये यमुना नदी इसलिए पॉल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7,000 करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। और जो दिल्ली का स्ट्रेच है यमुना जी का वजीराबाद से ओखला तक ये 80% पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है यमुना जी में। पर अब देखना ये दोष देंगे उत्तर प्रदेश को ये दोष देंगे हरियाणा को। सवाल यह बनता है कि आज यमुना जी की स्थिति इतनी बुरी है दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है ये मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है। अगर आप सांस लेते हो तो आपको पॉइजनस हवा मिलेगी अगर आप घूंट लेते हो तो आपको पॉइजनस पानी मिलेगा। ये सब जगह ये पॉइजनस हवा और पानी का कारण एक ही है पॉइजनस पॉलिटिक्स। हम यहाँ यमुना सफाई करने आए हुए हैं 3 साल से हम यहाँ यमुना सफाई कर रहे हैं और हमें यमुना सफाई करके बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम यमुना को जैसे गंगा को माता मानते हैं ऐसे यमुना को भी अपनी माता मानते हैं। हम लोग ये सफाई अभी यमुना की करें जितना भी ये तट पे आया हुआ है बाहर में जितना भी ये कचरा जो बह के आ रहा है वो साइड में आ गया हम लोग बस उसका सफाई कर रहे हैं और अंदर जितना इसमें पॉल्यूशन बह रहा है इसमें अंदर जितना सारा कचरा बह रहा है वो उसका तो सफाई हम लोग कर नहीं पा रहे। हम लोग जितना अपने से पॉसिबल हो रहा है हम लोग उसका सफाई कर ले रहे हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यमुना नदी है इसमें 80% तक केमिकल बह रहा है बस नाला बह रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अब नदी बच गई है ये अब मरने के कगार पे आने वाले 3 से 4 सालों में ये एकदम विलुप्त हो जाएगी इसमें सिर्फ नाला ही बचेगा। वो तो अभी थोड़ा बारिश हुआ है जिस वजह से थोड़ा इसमें पानी ज्यादा है अगर कुछ दिन अब अगर आप कुछ दिन पहले आते तो बस इसमें थोड़ा सा नाला बह रहा मिलता आपको। दिल्ली में तो कब से ही गंदगी ये सब चलते रहता है सैनिटेशन हो गया या फिर किसी भी चीज में हम ये ऐसे नहीं है 2010 से चल रहा है बीच में यमुना का बहुत ज्यादा चला था बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी साइड में बहुत ज्यादा कूड़ा करकट जो भी है सारा था। तो स्कूल टाइम में भी मैंने ये मतलब थोड़ा बहुत पार्ट लिया था प्रोजेक्ट्स में तो उस पे तो वो शैलो लेवल पे था ज्यादा नहीं था बट इट्स गुड कि अब फिर से वो चीज हमें मौका मिला है कि हम करें और प्रमोट करें मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू कि ये लोग देखें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए टू सेव अवर यमुना।
यमुना हमें जितना गंदगी लाइक मैं जब ट्रैवल करती थी हमेशा यमुना देखती थी कि कितनी गंदगी हो रही है एंड ये फोम्स में मुझे समझ ये फोम फ्यूम्स है क्या। अब जब मैं यमुना के पास आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये फ्यूम्स कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, कितना इसमें से फ्यूम्स आ रहा है, हमें ही इफेक्ट कर रहा है और यही पानी हमारे घरों में जा रहा है। तो ये सब हमें इनडायरेक्टली भी हमें ही इफेक्ट कर रहा है। हम गंदगी के जितनी लोग यमुना को गंदा रख रहे हैं वो लोगों को ही बहुत हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।